हेलो फ्रेंड, तो हम आज आप लोगों को बताएंगे एक नई वैकेंसी के बारे में। और इस वीडियो में आप सभी लोगों को पूरी जानकारी देंगे जो इस वैकेंसी में आगे आगे क्या होना है। पहले पेपर होगा या फिजिकल होगा, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट है, कितने नंबर का पेपर है, माइनस मार्किंग है या नहीं है, क्या क्या जो कुछ भी होगा हम आपको आगे सब बताएंगे। तो इसमें आपकी टोटल वैकेंसी है 4,660। इसमें से कॉन्स्टेबल की आपकी वैकेंसी है 4,208 और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है 452। अभी इसमें ये कंफर्म नहीं है कि मेल के लिए कितनी है, फीमेल के लिए कितनी है। जे जब इसका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। आगे चलते हैं इसकी एज। वैसे तो इसकी एज 18 से 25 थी, लेकिन इस बार आरपीएफ वालों ने उसके वजह से सोचा है, कोरोना की वजह से बच्चों को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाए। और ये रिलैक्सेशन सिर्फ एक बार के लिए ही मिलेगा। आप लोगों को ये ना सोचे, ये दिमाग में गलत फहमी ना बैठा है कि हमें आगे भी ऐसा मिलेगा रिलैक्सेशन कि नहीं मिलेगा, या फिर 18 से 28 ये वगैरह जो भी आपके दिमाग में चल रहा हो वो बात नहीं सोचना है आप लोगों को। तो इस बार 18 से 28 एज है कॉन्स्टेबल के लिए, और आपकी एसआई के लिए एज है वो है 20 से 28। और इसमें आप लोगों को बता दें, कॉन्स्टेबल के लिए सिर्फ क्वालिफिकेशन 10th पास चाहिए, और सब इंस्पेक्टर के लिए बहुत से लोगों का एक कमेंट रहता है कि एसआई के लिए कंप्लीट होना चाहिए या रनिंग में हमारे पेपर हो रहे हैं कि हमारा रिजल्ट नहीं आया है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। पेपर हो गए हैं सर, पेपर नहीं हुए हैं या आप लोगों के चल रहे हैं, पेपर हो गए हैं अगर जब तक फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे तब तक रिजल्ट आ जाना चाहिए, तब ग्रेजुएशन कंप्लीट मानी जाएगी आप लोगों की। इसका और फिजिकल है इसका, तो इसमें मेल जनरल या ओबीसी के लिए हाइट है 165 सेंटीमीटर और एससी एसटी के लिए है 160 सेंटीमीटर। ये मैं आप लोगों को अभी मेल की बता रहा हूँ, उसके बाद फीमेल की बताऊंगा। और मैंने कॉन्स्टेबल का अलग बताया है और सब इंस्पेक्टर के लिए अलग बताया है। तो फीमेल के लिए है हाइट 157 सेंटीमीटर, ये जनरल और ओबीसी की सेम है, और एससी एसटी की 152 सेंटीमीटर है। इसमें मैं आप लोगों को बताऊं, दो रनिंग है, एक 1600 मीटर है और एक 800 मीटर की है। तो जो 1600 मीटर की रनिंग है वो है मेल के लिए, उसमें समय दिया गया है 5 मिनट 45 सेकंड, और फीमेल के लिए 1600 मीटर की दौड़ नहीं रखी गई है। फीमेल के लिए रखी गई है 800 मीटर की दौड़, उसका टाइम है 1 मिनट 40 सेकंड। इसमें और उसके बाद लॉन्ग जंप है, तो लॉन्ग जंप मेल के लिए 14 फिट, फीमेल के लिए 9 फिट, या एस सी हो एस टी हो ओबीसी हो जनरल हो सबके लिए सेम है फिजिकल। हाई जंप है इसमें 4 फिट मेल के लिए, 3 फिट फीमेल के लिए। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका सब इंस्पेक्टर का फिजिकल। सब इंस्पेक्टर में है 1600 मीटर की दौड़ है मेल के लिए 6 मिनट 30 सेकेंड, और फीमेल के लिए रनिंग इसमें 800 मीटर, तो उसमें आपको ये टाइम दिख रहा है 4 मिनट। इसमें लॉन्ग जंप मेल के लिए 12 फीट है और फीमेल के लिए 9 फीट है। हाई जंप 3 फीट 9 इंच ये है मेल के लिए और 3 फीट है फीमेल के लिए। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा इसमें क्वालिफिकेशन, तो मैंने आपको पहले बताई थी, ये कॉन्स्टेबल के लिए 10th पास है, एसआई के लिए ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो, कुछ भी हो, बीए बीएससी बीकॉम एमबीए वगैरह कुछ भी जो भी आपके पास हो कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद अपन आते हैं सिलेबस में। कोई ज़्यादा टफ सिलेबस नहीं आता इसका। इसमें आपको 35 नंबर की रीजनिंग मिलेगी, 35 नंबर का मैथ मिलेगा और 50 नंबर की जीएस मिलेगी। जीएस भी ज़्यादा कोई टफ नहीं आती इसमें। जैसे आपने अपन मान के चले हैं जीएस में, ये मैं खुद मेरे दूसरे सर हैं वो पढ़ाते हैं जीएस, इसी चैनल पे आप सभी लोगों को मिलेगा देखने के लिए। प्रैक्टिस में प्रैक्टिस के लिए भी दिया जाएगा और क्वेश्चन पढ़ाए भी जाएंगे और इम्पोर्टेंट नोट्स भी दिए जाएंगे। तो मैं आप लोगों को बताऊं, इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की, एक 3 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 नंबर सही काट लिया जाएगा। जो ये सब आप लोगों को मैंने बता दिया, ये सब इसमें क्या क्या होना है, कैसे कैसे होना है, पहले क्या होगा, पहले आपका पेपर होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा,
उसके बाद फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। तो आप जोरों से मेहनत कीजिए और इसमें से आपकी एक वैकेंसी अपन को पक्की रखना है। तो इसी को सोचते हुए तैयारी की है। धन्यवाद।